टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को लेकर हरकत में आया जिला प्रशासन बुलंदशहर प्रशासन ने वायु प्रदूषण पर रोक के लिए बनाई टीमें जिला तहसील व ग्रामीण स्तर पर टीमें की कई गठित पराली जलाने पर 15 किसानों से की गई 15,000 जुर्माना वसूली की कार्रवाई 20% वाहनों के चालान कर वसूला गया 50,000 जुर्माना। प्रशासन अब तक चला चुका है 178 लोगों पर कार्रवाई का चाबुक। डीएम ने नहीं माना स्मॉग को बढ़ते प्रदूषण का कारण। देखिए आपको मालूम है कि दिल्ली और NCR एरिया में दीपावली के बाद से प्रदूषण लेवल बढ़ा है। हमने इसमें प्रिवेंटिव और कोएसिव दोनों ही एक्शन लिए हैं। अब चूंकि वायु पोल्यूशन है, इसमें जो मेन दो तीन काम है, कूड़े कचरे जलाने की शिकायत आती है, पराली जलाने की आती है, या जो कंस्ट्रक्शन के काम है जिससे धूल उड़ती है, धूल जनित कंस्ट्रक्शन और अन्य कार्य। तो ये जनपद बुलंदशहर है, कृषि प्रधान जनपद है, तो लोगों को मालूम भी नहीं रहता है कि जो हम पराली जला रहे हैं वो कानूनी तौर से गलत है और इससे वायु प्रदूषण का तो मालूम रहता है, वो उतना अवेयरनेस नहीं रहता है। तो मेरा पूरा जोर रहा है अवेयरनेस जनरेशन पे। आप अभी देखेंगे कि शहर के चौराहे पे बड़े बड़े बैनर लगे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि कूड़ा कचरा ना जलाएं, पराली ना जलाएं और धूल पैदा करने वाले कंस्ट्रक्शन कार्य ना करें। उसके अलावा भी हमने मुनादी से शहरों में और गाँव के एरिया में भी मुनादी से अवेयरनेस जनरेशन करवाया है। कोर्सी मेजर्स में कतिपय फाइन भी किए गए हैं, कुछ इंडस्ट्री जो सिकंदराबाद में है उसमें बड़े बड़े फाइन हुए हैं, कुछ जगह जो ईंट भट्ठों की बात आती है जो जिगजैग मेथड की नहीं है, सारे बंद पड़े हुए हैं, हमने ये एश्योर करवाया है कि उनको खोलने के लिए NOC ना मिले। डीएम के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट विंड प्रभावी होने से बढ़ रहा है स्मॉग। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।